सिलेगढ़ में है और 7 दिवसीय मध भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। 8 वर्ष की आयु से सनातन धर्म को अग्रसर करने का काम जो है सुश्री संत वर्षा नागर जी द्वारा भागवत कथा का आयोजन सिलेगढ़ में आज लगातार हो रहा है और कल का आखिरी दिन है। आज उनसे हम बात करते हैं कि बचपन से आपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है और आप लगभग कई भागवत कथाएं आपने महाराष्ट्र, मुंबई, नासिक, उत्तराखंड सब जगह आपने कथाएं की हैं और आज इनसे खबर बनती पूरी विशेष बात करना चाहता है कि सनातन धर्म को किस तरह से आप आगे बढ़ाए। लगभग 6 वर्ष की आयु से मैंने धर्म पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया था और वही जो राम रचि राखा भगवान का कहीं ना कहीं यह आशीर्वाद रहा कि लगभग 22 वर्षों से हम धर्म कार्य कर रहे हैं। कथाओं का उद्देश्य हमारा ये है कि अगर विचार बदलेगा तो संसार बदलेगा। हम कथाओं के माध्यम से विचार बदलना चाहते हैं या हम कहें तो जिस कथा का हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, जितना मैंने भागवत को समझा है अपने जीवन काल में, मुझे समझ आता है कि धर्म ये पुराण ये मैं निर्वाण की ओर नहीं लेकर जाते, केवल भागवत हमारा निर्वाण नहीं हमारा निर्माण करती है, ये हमें बनाती है कि किस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। तो उसी कार्य में हम लोग इसी प्रकार से अनवरत सेवा में लगे हुए हैं और माँ बगलामुखी का स्थान है नलखेड़ा में, जहाँ दर्शन करने के लिए लाखों लोग पहुँचते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से ये धर्म पथ पर चलना प्रारंभ किया और तब से लेकर अब तक कई कथाओं के माध्यम से कई राज्यों में, देश से लेकर विदेश तक धर्म ध्वजा को लेकर के बढ़ते जा रहे हैं और इस उद्देश्य के साथ कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। प्रेरणा स्रोत कौन है? माँ बगलामुखी मुझे आशीर्वाद प्रदाता भी है, प्रेरणा स्रोत भी है, इष्ट भी है और गुरु भी है। उनकी कृपा है। उनके अलावा मेरे पूज्य स्वर्गीय दादाजी ब्रह्मलीन पंडित भैरव प्रसाद जी नागर साहब, जो कि अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध भागवतकार थे। जब मैं 6 साल की थी तो उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और वो कथा मुझे वहां पर पूरी करनी पड़ी ईश्वर की प्रेरणा से, तो उनका आशीर्वाद है। बाकी तो माँ बगलाम की कृपा है। कुछ बचपन की यादें हैं? जो बचपन जीने का अवसर मिला नहीं मुझे ज्यादा, क्योंकि कथाओं में ही, लेकिन जितना समय मैंने देश और दुनिया के अंदर कथाओं के माध्यम से जिया है, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य को धर्म के अलावा और कोई रास्ता जगत में नहीं है, तो हर किसी को अपने 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 धर्म पर संयम और धैर्य और विनम्रता के साथ जीवन में उपयोग करना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करें हम लोग, ये मैंने बचपन में जो सीखा है या देखा है। हम अपने इष्ट की पूजा करें, हम मंदिर जाएं, हम अपने धर्म को हमेशा पकड़ करके रखें। जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कन्हैया जी गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मां में कम शरण मिले तो मेरी शरण में आ। इसका मतलब यही है कि हम अगर भगवान की शरण में जाते हैं तो धर्म और कर्म, जिसने इनका बैलेंस बना लिया, वो मनुष्य दुनिया में कहीं हार नहीं सकता है, वो विजयी कहलाता है। तो धर्म और कर्म का बैलेंस दोनों जरूरी है। एक सवाल मेरा, सामाजिक कुरीतियां जो इस देश में हो रही हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैंने हमने जितनी कथाएं की, कथा हमारा जो आधार है, लेकिन उसके अलावा विशेष ध्यान मेरा सामाजिक जो कुरीतियां हैं उन पर ही रहता है। कन्या भ्रूण हत्या हो, बेटी को पढ़ाने के लिए जिस प्रकार से लोग अवरोध बनते हैं, या फिर माँ बाप के प्रति जो बच्चों का व्यवहार रहता है, नशा मुक्त पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं, व्यस्त मुक्त पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं। युवा हमारे धर्म की तरफ आ गया है। मैं युवाओं से जो इस इंटरव्यू को देखेंगे उनसे कहना चाहूंगी जी। अगर धर्म नहीं रहेगा जीवन में, हम चलते फिरते रोबोट हो जाएंगे। अगर हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा तिलक, हमारी शिखा, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय, आप शूद्र, आप वैश्य, आप जो भी हैं, आप जाति से हैं, लेकिन धर्म आपका मानव है। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो मानवता के धर्म को अपना करके जीवन में अपने संस्कार कभी ना छोड़े, क्योंकि एक व्यक्ति का संस्कार अगर चला जाए, मैंने अपनी कथा में कहा था आहार ना मिलने पर कुपोषण होता है शरीर का, शारीरिक कुपोषण आहार की वजह से होता है, लेकिन मानसिक कुपोषण होता है संस्कार की कमी से।
तो आहार के कुपोषण का इलाज है लेकिन संस्कार के कुपोषण का कोई इलाज नहीं है। तो कुपोषण संस्कार का नहीं होना चाहिए। युवा पीढ़ी, बजरंग बली महाराज को अपना इष्ट बनाए, आप हनुमान जी को अपना इष्ट बनाइए, आप भोलेनाथ को अपना इष्ट बनाइए, आप माँ भगवती की शरण में जाइए, कर्म भी कीजिए और धर्म को भी साथ रखिए, तो आने वाला भारत एक संस्कारवान भारत होगा, जैसा कि हम लोग अभी दर्शन कर रहे हैं। सनातन धर्म की हम बात करें तो जिस तरह से लोग धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं ठगी भी जो है वो काफी देखी जा रही है, इसके लिए दोषी कौन है? हम जब तक स्वयं, मैंने अपने कल की कथा में कहा है, जब तक आप अपना डर किसी को नहीं बताएंगे, आप अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताएंगे, तब तक कोई घर में आकर के ठगी नहीं करता। आप जाते हैं वहाँ, आप ठगे जाते हैं। अगर कोई आपको ठग रहा है तो पहले दोषी आप हैं। आपको अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए कि जब त्रेता युग में राम जी थे काल नेमी तब भी था, द्वापर युग में कन्हैया थे तब भी पुंडरीक नाम का एक व्यक्ति था जो स्वयं को भगवान बताता है, तो उसमें दोष उसका नहीं है। अगर हम लोग अपनी पीड़ाएं समस्याएं मनुष्यों को जाकर बताएंगे तो वो ठगने का और उनको अवसर मिलेगा। अगर हम लोग अपने इष्ट पर हमको भरोसा है, अपने पुरुषार्थ पर सबसे पहले आपको भरोसा है, लकीरों से ज्यादा अपने पुरुषार्थ पर जो व्यक्ति विश्वास रखता है वो दुनिया में कहीं ठगा नहीं जाएगा। स्वयं के विवेक का उपयोग करना जरूरी है कि हम ठगे ना जाए, उसके लिए सबसे जरूरी है अपना डर दूर करना। एक सवाल है कि जिस तरह से आज देश के अंदर लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के बाद लोग उनको देख कर वहाँ जाते हैं, उनके मन में ही उतार होता है कि मेरा वहाँ निराकरण होगा और वो जाने से पहले उनका भविष्य लिख देते हैं, तो आखिर सनातन धर्म में इस तरह की जो है देश की जो है भावना भी लोगों को ठेस पहुंचा रही है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है, कहीं तक अगर युवा हमारे धर्म से जुड़ रहे हैं, अगर इस माध्यम से, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, अगर वो बजरंग बली महाराज से जुड़ रहे हैं, अगर वो हनुमान जी से जुड़ रहे हैं जी, अगर वो बागेश्वर धाम से जुड़ रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आखिर तो वो अच्छे कार्य के लिए जुड़ रहे हैं, आखिर जुड़ तो वो भगवान से ही रहे, हम इस बात को समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है, भविष्य लिखने वाला भी भगवान है और बताने वाला भी भगवान है। हम अगर भविष्य जान भी लें तो भी उसमें हम कुछ करने वाले नहीं है, जो लिखा जा चुका है वो उनको पता है। तो भविष्य की चिंता करने की बजाय अगर वर्तमान को संवारा जाएगा तो भविष्य अपने आप सुधर सकता है। वर्तमान का निर्माण जो करते हैं उनका भविष्य प्रबल होता है, तो अच्छा है हम धर्म में आगे बढ़े। किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर आपको धर्म से जोड़ रहा है तो वो गलत नहीं है, वो आपको कम से कम मंदिर ले जा रहे हैं, हनुमान जी से जोड़ रहे हैं। वरना तो युवा लोग पार्टियां करते फिर रहे थे, युवाओं को फुर्सत ही नहीं थी कि हनुमान जी क्या जाए, चमत्कार को नमस्कार है तो नमस्कार अच्छा है। तो मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी सही तरह से चल रहा है धार्मिक, क्या दिक्कत, नुकसान उसमें कोई नहीं है। अच्छा, युवा अगर बढ़ रहे हैं धर्म की तरफ तो बढ़ना चाहिए। एक चीज और, ये चमत्कार को लेकर घरों में जो जिस तरह से टोटके करते हैं देशी लोग, जल्दी उसमें हार्ड हो जाते हैं। मैंने आज अपनी कथा में कहा है, टोटके का समर्थन तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि भगवान के मंदिर हमारे पूजा का स्थान है, मनोकामनाओं को पूरी करने का कोई केंद्र नहीं है कि हम जाएंगे हमारी इच्छा केवल हम ऐसे जल चढ़ा देंगे और इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा पुराणों में भी ऐसा नहीं लिखा है, पुराणों में ये लिखा है कि शिव जी को जल चढ़ाने से इच्छा पूरी होती है, लेकिन कर्म भी करना पड़ेगा। कन्हैया कहते हैं कर्म करो, गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कन्हैया ने स्पष्ट कहा है आपके सवाल का जवाब कि कर्मण्येवादि कारस्ते मा फलेषु कदाचिन, कोई भी पूजा पाठ आपको अकर्मण्यता नहीं सिखाती है। सबसे पहली बात, राम काज करिबे को आतुर, हनुमान जी भी अगर भगवान बने तो वो भी काम करके बने, चमत्कार करके नहीं बने, तो कर्म करें, पुरुषार्थ जरूरी है। बिना पुरुषार्थ के कोई प्रारब्ध कोई भाग्य आपका साथ नहीं दे सकता है। अगर आप पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत प्लस भगवान की कृपा, इससे आपके जीवन का निर्माण हो सकता है। इसमें आप भी ठगे भी नहीं जाएंगे, अपने विवेक का भी उपयोग करेंगे। तो युवाओं से निवेदन है, सबसे पहले प्राथमिकता पुरुषार्थ को दें, फिर भाग्य, कर्म, सत्संग, धर्म, सबको सामंजस्य में लेकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से अच्छी पीढ़ी हमारी संस्कारवान बनेगी। मैं बेटियों से भी कहना चाहूंगी विशेष रूप से कि जो हमारी युवांगनाएं युवतियां हैं वो भी धर्म की तरफ बढ़ें। आजकल हम मंदिरों के अंदर जाकर देखते हैं तो दर्शन कम सेल्फी ज्यादा होती है। मेरा बच्चियों से निवेदन है, मोबाइल का उपयोग हमारी सुविधा के लिए है, चारित्रिक पतन के लिए नहीं उसका उपयोग करें हम लोग। रील्स बच्चियां बनाती है, आप लोगों को हमसे सवाल पूछना चाहिए, रील्स बनाती है 8 साल की बच्ची, एक मूवी आती है किसी एक्टर्स की और वो उसके अंदर एक गणिका का रोल करती है सफेद साड़ी पहनकर बड़ी बिंदी लगाकर, तो हमारे यहाँ की 10 साल की लड़की भी वही
रील बना रही है तो वास्तव में वो क्या बन रही है। अगर आपको रील्स बनानी है, आप तलवार चलाना सीखिए, आप तलवार चलाना सीखिए, उसकी रील्स बनाइए ताकि आप बनेंगे लक्ष्मी भाई, तो कभी किसी लव जिहादी की ताकत नहीं होगी कि आपकी तरफ नजर उठा करके देख सके कभी। और केवल एक लव जिहादी मतलब नहीं है, अगर कहीं भी किसी भी, ऐसा नहीं कि अगर लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है तो वो केवल एक ही वर्ग विशेष के द्वारा ही किया जाता है। जब तक कोई नारी अपनी मर्यादा की रेखा का उल्लंघन नहीं करेगी तब तक किसी की ताकत नहीं है कि उसके चरित्र पर कोई दाग लगा सके। तो इसके लिए लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची है सब नारियों के लिए मर्यादा की रेखा है। बेटियों से निवेदन है रील्स बनाओ, ऐसी बनाओ कि समाज को प्रेरणा मिले कि तुम कलेक्टर बन रही हो, डॉक्टर बन रही हो, कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो माँ बाप का सिर ऊंचा होगा, अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा रहे, ये हर भारत की हर सनातन बेटी का अधिकार है। स्वतंत्रता बेटियों के लिए जरूरी है, लेकिन जो स्वतंत्रता चरित्र भंग कर दे हम उस स्वतंत्रता का विरोध करते हैं। फिर ऐसे में मैं पर्दा प्रथा का और उन सब प्रथाओं का समर्थन करती हूँ जिसमें बेटियों को पर्दे में और मर्यादा में रहने की प्रेरणा दी गई। वो कुरीति नहीं है, वो अगर आप मोबाइल भी खरीदते हो सबके मोबाइल में कवर हो सकता है तो बेटियों पर पर्दा क्यों नहीं हो सकता। उनके लिए पर्दा जरूरी है, वो हमारी मर्यादा है। एक सवाल है कि जिस तरह से देश के अंदर सनातन धर्म हिंदू धर्म समाज को बांटने वाले काम कहीं ना कहीं ये कब तक थमेगा, जिस तरह से 10 सालों से 15 सालों से ये चीजें सामने निकल कर आ रही है। जातिगत भेदभाव तो समाप्त हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बीमारी है। मैंने इस विषय पर कहा है अपनी कथाओं में, अगर कुछ लोग हमसे आज टूटे हैं सनातन धर्म से, उनमें दोषी वो नहीं है, दोषी हम है। अगर हम उनको पास नहीं बिठाएंगे तो वो कहीं तो जाकर के बैठे। हमारा कर्तव्य था, हम ब्राह्मणों का दायित्व था, हम बड़े विद्वानों का संतों का भी दायित्व है यह भी कि हम, राम जी अगर चाहते तो अयोध्या की सेना बुला करके रावण का वध कर सकते थे। उन्होंने सेना बनाई आदिवासियों की, वनवासियों की, बंदरों की, वंचितों की, जिनको कोई नहीं पूछ रहा था उनको राम जी ने गले लगाया और उनसे सेना बनाई। इसका क्या मतलब था? बड़े लोगों के पैर पकड़ने से ज्यादा अच्छा है छोटे लोगों का हाथ पकड़ कर चलो, तो वो आपका साथ भी देंगे। और अगर आप अपने लोगों को पास नहीं बिठाएंगे तो आने वाले समय में दूसरों से तो दूर की बात है, अगर आपस में हम ही लोग एक नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से समस्याएं आने। तो मेरा निवेदन है बड़े लोगों से भी, बड़े लोगों से मतलब है कि जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जाए। ये वाल्मीकि जी का देश है, ये देश है रैदास का, ये देश है सूरदास का, ये इस देश के अंदर वालिया भील जैसे वाल्मीकि हो गए, इस देश के अंदर आप एक बहेलियों को देखते हैं तो वो शंकर जी पे जल चढ़ाकर शिवरात्रि मना लेता है, आप देखिए शबरी के जूते बेखर। भगवान ने कोई धर्म भेदभाव नहीं सिखाता, इंसान भेदभाव बनाता और खास करके राजनीति भेदभाव को बढ़ाती है। राजनीति में भेदभाव जब समाप्त हो जाएगा तो समाज में अपने आप भेदभाव समाप्त होगा, भेदभाव समाप्त होना चाहिए। मैं कथाएं करती हूँ आदिवासी एरिया में भी, कथा करके हम लोग आए नागपुर क्षेत्र में, वहाँ गढ़चिरौली क्षेत्र है आदिवासियों का, सबसे सुंदर श्रेष्ठ और अच्छा क्षेत्र है। जितने पूजा पाठ के तरीके हमको नहीं आता उससे ज्यादा आदिवासियों को आता है। हम लोग, क्षमा कीजिएगा, हम लोग दिखावा कर लेते हैं कई बार, उन लोगों के पास दिखावा नहीं है, लेकिन वक्ता प्रवक्ता वहाँ नहीं पहुँच पाते किसी कारण से। मेरा लक्ष्य है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी एरिया में कथा करें, हम कथा करें उन एरिया में जहाँ पर धर्म को परिवर्तन का एक बीमारी लगी हुई है कि लोग कुछ बहला फुसला करके हिंदुओं को कन्वर्ट कर देते हैं, उस विरोध में भी हम लोग कथा करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि अच्छे समाज सेवक लोग इस विषय पर ध्यान दें और जिन लोग, जो लोग हमसे दूर चले गए हाथ पकड़ करके उनको पास लाइए, क्योंकि वास्तव में आखिर में यही चीज काम आएगी। उज्जैन में धर्मशाला जी, उसके लिए 22 वर्षों की इस कथा की यात्रा के बाद एक लक्ष्य हमने बनाया कि उज्जैन के अंदर में एक आश्रम बना रहे। कार्तिक मेला मंच शिप्रा घाट पर, वहां से 500 मीटर की दूरी पर हमने एक प्रभाक्षर धाम नाम का आश्रम निर्माण प्रारंभ किया है, जिसमें प्राथमिकता होगी यात्रियों के लिए निवास और भोजन। उज्जैन में जैसे जैसे प्रतिष्ठा बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, लोगों के लिए रहने की दिक्कत भी आती है, सब लोग इतने सक्षम नहीं है कि 1000 रुपए देकर के 500 रुपए देकर के एक रात रुक सके। तो हमारा लक्ष्य है हम ऐसे आश्रम का निर्माण करें जिसके अंदर यात्री रहें, उनके भोजन जैसे गुरुद्वारे में व्यवस्था होती है उसी प्रकार की व्यवस्था हम अपने आश्रम में देना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है, बाकी तो भगवान करने वाले। उसी आश्रम में वृद्धों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, असहाय महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए जिनका कोई नहीं है, एक परिवार उनका बने ऐसा,
उसके अलावा 51 फीट का शिवलिंग, 101 फीट का भगवा ध्वज, रामदेव भगवान का मंदिर, खाटू श्याम भगवान का मंदिर। जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था ATG है, उसमें दान करने पर कर नहीं लगता, तो कर मुक्त संस्था है हमारी वर्षामर सेवा संस्थान। तो जो लोग भी उज्जैन आकर के भूमि का दर्शन करते हैं सभी का स्वागत है, और उस आश्रम में हमारा सहयोग करके आप भी अपनी ओर से सहयोग कर सकते हैं, ऐसा हमारा कथा में निवेदन रहता है। ठीक है, मैं News 24 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर युग में जो काम नारद जी करते थे, आज वही कार्य हमारे समाज के पत्रकार कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। चौथा स्तंभ है हमारे यहाँ पत्रकार, साहित्य का, पत्रकारों के माध्यम से बड़े कार्य को हम लोगों ने देखा है कि जो बुराइयां समाज में छुपी रहती है पत्रकार उनको सामने लाते हैं और उनको मिटाते हैं। पत्रकारों के बल पर ही देश के कई ऐसे चीजें हैं जो सामने आती है और उनका खात्मा होता है। तो मैं News 24 के माध्यम से आपकी पूरी टीम को और पूरी इलेक्ट्रॉनिक और पूरे मीडिया को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसी प्रकार आप धर्म कार्य में लगे रहें और लोगों को 24 के माध्यम से भागवत कथा सुनाते रहें। आपकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गणेश। देखा आपने, सुश्री संत वर्षा नागर जी ने बहुत सरल तरीके से, सरल स्वभाव से अपनी बात कही है। खबर 24 न्यूज लगातार ऐसे साधु संतों को हमेशा आपके बीच लाता रहता है। आप बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ, आपका अपना चैनल हर कदम आपके साथ। नमस्कार।